हेलो डियर स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 10, दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 6। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द काइंड्स ऑफ मोशंस। मोशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के मोशन होते हैं और मोशन क्या होता है। उसमें भी हमने ट्रांसलेटरी मोशन कंप्लीट कर लिया था, दैट इज रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशंस भी हमने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस होते हैं, अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। उनके हमने चार टाइप्स देखे थे, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, देन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, दैट इज रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। वेर इज ट्रांसलेटरी मोशन में हमने दो डिफरेंट और टाइप्स देखे थे, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जो एक रेक्टिफाई दैट इज सीधे लाइन में जाए, सीधे लाइन में अगर कोई मोशन हो स्ट्रेट लाइन में, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। एंड कर्विलिनियर मोशन दैट इज कर्व सरफेस पे अगर वो कोई मोशन ले रहे हो, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू बी कर्विलिनियर मोशन। सो आज हम सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, एंड वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। नाउ सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट पोजीशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें जो बॉडी है वो मूव करता रहता है पर एक ही एक्सिस पे, एक ही पोजीशन पे रहेगा एंड उसी पोजीशन पे वो मूव करेगा, अपनी पोजीशन से वो हिलेगा नहीं, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन या तो फिर सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के साथ में हम अच्छे से और समझ सकते हैं, दैट इज फैन। फैन का मूवमेंट कैसा होता है, फैन जो है वो एक ही पोजिशन में रहता है और सिर्फ उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं। सो एक ही पोजीशन पे है पर मूवमेंट कैसी हो रही है, सर्कुलर मोशन, रोटेट कर रहा है वो। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू बी इन सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। और दूसरा एग्जांपल है और पॉटर्स व्हील। पॉटर जो बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, उनकी जो एक व्हील होती है, चक्की होती है, तो उसके ऊपर वो लोग मिट्टी को डालकर, वो क्ले को डालकर वो पॉट बनाते हैं, तो वो जो व्हील है वो एक ही पोजीशन पे खड़ा है पर मूव कैसे हो रहा है, सर्कुलर मोशन में, दैट इज राउंड मोशन में वो मूव हो रहा है और एक ही पोजिशन पे है। सो उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन या तो फिर सर्कुलर मोशन। अ स्पिनिंग व्हील, अब जो व्हील है, जो गाड़ी की व्हील्स होती है, व्हीकल्स के या तो फिर व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही पोजीशन पे है पर ऐसे ही वो सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, अटैच्ड है बट सर्कुलर मोशन ले रहे थे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू बी सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थ, सन के आजू बाजू अर्थ रोटेट करता है, ऐसे सर्कुल पोजिशन में वो मूव करता है। सो इस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, रोटेटरी मोशन, दैट इज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। नाउ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को हम इजीली समझ सकते हैं विद द पेंडुलम, जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो आगे पीछे पीछे आगे जो मूव होता है वही मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। सम ऑब्जेक्ट्स मूव एज अ होल, दैट इज एक कोई कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पूरी तरीके से मूव होते हैं आगे और पीछे, टूवर्ड्स एंड टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रॉथ, आगे पीछे जो मूव होते हैं अलॉन्ग द सेम पाथ, एक ही जितना उनको पाथ दिया जाए, जैसे कि एक क्लॉक का पेंडुलम है ये, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मूव हो सकता है, एक फिक्स्ड पाथ दिया जाता है, इतने पे ही वो मूव करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू बी ऑसिलेटरी मोशन विदाउट चेंज इन एनी शेप, और उनके जो शेप है, उनके जो साइज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू बी ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल के साथ में हम समझते हैं, दैट इज पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो, और झूला, दैट इज स्विंग जो होता है, ओके स्विंग, तो स्विंग के थ्रू भी क्या होता है, ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है ऑसिलेटरी मोशन। और दूसरा मोशन है जो नीडल होता है स्विंग मशीन में, स्विंग मशीन में जो नीडल होता है वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जो मूव होता रहता है, तो वो भी मोशन जो है वो किस में आता है, ऑसिलेटरी मोशन में आता है। नाउ वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच द मूविंग बॉडी अंडरगोज चेंज
इन शेप और साइज, उनकी जो शेप और साइज जो है वो चेंज होती रहती है वाइब्रेटरी मोशन में। जैसे कि अगर इलास्टिक बैंड को लिया जाए, उसको हमने स्ट्रेच किया तो उसकी साइज चेंज हो रही है, देन छोड़ दिया तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ज़्यादा देर तक अगर हम ऐसे करते रहे तो उसका शेप भी चेंज होता है और साइज भी चेंज हो जाता है। और वो ऑसिलेटरी मोशन की तरह ही एक मोशन होता है, पर इसमें कैसा होता है, हमें सेंसेशन महसूस होती है। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू बी वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है रबर बैंड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द ऑल द फोर टाइप्स ऑफ मोशंस। इन फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। थैंक यू।